आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस और किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। अलग अलग जगह पर वरिष्ठ नेता करेंगे यात्रा का नेतृत्व। किसानों की कई मांगों को लेकर सरकार पर प्रेशराइज और दबाव डालने की कोशिश करेंगे। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इंदौर में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार किसान न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित न्याय यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कमान संभालते हुए नजर आएंगे। सोयाबीन की 6000 MSP, धान और गेहूं की MSP बढ़ाए जाने सहित किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस लामबंद है और किसानों की हक के लिए आज कांग्रेस की तरफ से किसान न्याय यात्रा ये पूरे प्रदेश भर में निकाली जा रही है। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, एक तरफ किसान हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से सोयाबीन में MSP के रेट को देखिए बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं किसानों का बल और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि आज कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। देखिये, बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग जिलों में पहुंचकर किसान न्याय यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है और अब आज इस किसान न्याय यात्रा को कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं इसे और धार देते हुए नजर आएंगे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज सड़कों पर किसान न्याय यात्रा में नजर आने वाले हैं। अगर हम कमलनाथ की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में वो किसान न्याय यात्रा में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धार में किसान न्याय यात्रा को धार देंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इंदौर में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि किसानों की जो मांगे हैं, चाहे वो सोयाबीन की MSP 6000 करने को लेकर और धान या गेहूं को लेकर जो वचन पत्र में सरकार के वादे रहे हैं, उन वादों को लेकर भी कई बार सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और अब इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए और सरकार से किसानों की मांगों पर मुहर लगवाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र जीतू पटवारी पहुंचे तो और यहां भी ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर प्रदर्शन किया गया था। मांग यही थी कि किसानों के लिए सोयाबीन समेत अन्य फसलों की जो MSP है उसे बढ़ाया जाए और आज कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। देखना होगा कि इस प्रदर्शन का कितना इंपैक्ट कांग्रेस को राजनीतिक रूप से मिलता है और किसानों को क्या फायदा होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हम सब देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसान भी शामिल होंगे, ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। क्या प्रशासन की तरफ से ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई है? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों की ये बात है, जिन क्षेत्रों में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही होगी वहां पर बिना अनुमति के रैली नहीं निकाली जा सकती। हालांकि कई मरतबा ऐसा होता भी है कि लोग छोटी मोटी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम भी देते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्तर पर कांग्रेस की जिला कमेटियों ने अनुमति ली होगी और उसके आधार पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश किसानों के हक में, क्योंकि किसान लंबे समय से अलग अलग मांग कर रहे हैं। तो देखिए आकाश, इस यात्रा का कितना इम्पैक्ट होगा क्योंकि देश के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। देखिए, दरअसल जो MSP पर सोयाबीन खरीदी की मांग थी किसानों को, किसानों की जो केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किए हैं 4,892 रुपए और इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अन्य राज्यों में भी सोयाबीन खरीदी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश किसान ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार जिस तरीके से उस अनुसार 6,000 रुपए के हिसाब से जो सोयाबीन खरीदी है वो की जानी चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा उसके दूसरे दिन ही जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित MSP है उस MSP पर खरीदी की मंजूरी दे दी गई। अभी मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसलें कटना बाकी है, फसलें कटने के बाद सरकार MSP पर खरीदी करेगी। हालांकि MSP पर खरीदी के अलावा, क्योंकि MSP का रेट जब ज्यादा होता है तो बाहर भी किसानों को सामान्य व्यापारियों से भी अच्छा पैसा मिलने लगता है। मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री का ताल्लुक है और यही वजह है कि एक दिन के भीतर ही राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल भी जाती है। तो सोयाबीन पर जो MSP पर खरीदी की बात है वो जो केंद्र सरकार की निर्धारित MSP है उस पर खरीदी होगी, बहुत कम संभावना है कि MSP को और बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश विस्तार से जानकारी देने के लिए।